शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर संतोष अरोरा आज आपके साथ श्रेणी बनाम अंकन, श्रेणी व अंकन के महत्व विषय पर चर्चा करूंगी। शिक्षक व छात्र के लिए ये जानना आवश्यक होता है कि उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या प्रगति है, कक्षा शिक्षण में छात्र ने किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है या कक्षा शिक्षण में छात्र किस सीमा तक लाभ उठा रहे हैं, उसके व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है। शिक्षण की सफलता व उद्देश्यों की प्राप्ति को जानने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की कुछ परंपरागत विधियां हैं। प्राचीन समय में ये मूल्यांकन लिखित, मौखिक और प्रायोगिक रूप से किया जाता था। ये तीनों ही प्रकार का मूल्यांकन सत्र के अंत में आयोजित किया जाता था। जब सत्र का अंत होता था तो मूल्यांकन हेतु ये तीनों प्रकार की परीक्षाएं ली जाती थी। ये परीक्षाएं थी लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। परंपरागत परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समय समय पर कुछ सुझाव दिए गए और चूंकि परंपरागत परीक्षा प्रणाली सत्र के अंत में ली जाती थी, इसलिए उसके सुधार हेतु कुछ उपाय किए गए। जैसे लिखित परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी प्रयोग किया जाए। मूल्यांकन सत्र के अंत में ना करके सतत किया जाए, साल भर किया जाए। मूल्यांकन के लिए अंकन और ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाए। विभिन्न परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों को एक स्केल पर मापा जाए व राष्ट्रीय परीक्षा प्रारंभ की जाए। इस तरह से कुछ सुझाव और कुछ उपाय परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किए गए। इनमें से एक प्रमुख सुधार है अंकन और ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाए। आज हम विशेष रूप से अंकन और ग्रेडिंग प्रणाली पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अंकन प्रणाली है क्या। इस प्रणाली में छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए और जांचने के लिए परीक्षकों द्वारा छात्र को अंक दिए जाते हैं और ये अंक 0 से लेकर के 100 तक होते हैं। प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को श्रेणियों में बांट दिया जाता है। छात्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में पास हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है। अंकन प्रणाली का अपना एक महत्व है। अंकन प्रणाली के द्वारा छात्र को अपनी उपलब्धि के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त होता है। छात्र को ये स्पष्ट हो जाता है उसे अपनी परीक्षा कितने प्रतिशत से प्राप्त करनी है, उसी के अनुसार छात्र कार्य करता है। छात्रों को मेहनत करने के लिए भी ये अंकन प्रणाली बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। छात्र अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेता है कि उसे अपनी परीक्षा 90% अंकों से ही पास करनी है, तो छात्र का उद्देश्य स्पष्ट हो गया और वो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उतनी ही लगन से मेहनत करता है कि वो 90% अंक प्राप्त कर सके या 90 अंक प्राप्त कर सके। अंकन प्रक्रिया में विद्यालय में आयोजित होने वाली सभी क्रियाओं में छात्र मेहनत से भाग लेता है, क्योंकि अंकन प्रक्रिया में विद्यालय में आयोजित सभी क्रियाएं जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, सभी के अंक निर्धारित होते हैं और सभी के अंक उसके वास्तविक अंकों में जुड़ते हैं, इसलिए वो सभी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेता है। अंकन प्रक्रिया से छात्र को अपने वास्तविक उपलब्धि के बारे में भी जानकारी हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका रियल कैलिबर है क्या, उसकी वास्तविक उपलब्धि क्या है, क्योंकि इसमें छात्र को अंक मिल रहे हैं और ये अंक कई बार पॉइंट्स में भी मिलते हैं, तो उसको अपनी वास्तविक उपलब्धि का भी भान हो जाता है कि मेरी वास्तविक उपलब्धि है क्या। अंकन प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जैसे ये अत्यधिक प्रतियोगिता पर बल देती है, क्योंकि इसमें छात्र को
अंक प्राप्त हो रहे होते हैं, इसलिए वो प्रतियोगिता में संलग्न रहता है। इस प्रतियोगिता के कारण उसके अंदर एक तनाव भी उत्पन्न होता है और इस तनाव से उसके अंदर कई स्वास्थ्य जनित समस्याओं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अनिद्रा, अवसाद, तनाव आदि समस्याएं छात्र के जीवन में जन्म लेने लगती हैं, क्योंकि अंकों के माध्यम से छात्र एक प्रतियोगिता में दौड़ने लगता है। कुछ ऐसे मानवीय कारण भी हैं जिसकी वजह से अंकन प्रणाली दोषयुक्त हो जाती है। जब परीक्षक छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन कर रहा होता है तो उसका मूड, उसकी विषय के प्रति अभिवृत्ति, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व भी छात्र के मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। इसलिए कई ऐसे मानवीय कारण हैं जो अंकन प्रणाली को प्रभावित कर देते हैं। कई बार ये अंकन प्रणाली त्रुटियुक्त भी हो जाती है। जैसे एक छात्र ने अपनी उपलब्धि में 59.6 अंक प्राप्त किए हैं, जिसकी वजह से उसे द्वितीय श्रेणी मिली और प्रथम श्रेणी के लिए उसको 60% अंक चाहिए थे। 59.6% अंक और 60% अंक में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़े से अंकों का अंतर है, लेकिन छात्र की पूरी डिवीज़न, पूरी श्रेणी इससे बदल जाती है। जहां वो पहले द्वितीय श्रेणी में पास हो रहा था, थोड़े से अंकों से ही वो प्रथम श्रेणी में पास हो सकता था। तो ये प्रक्रिया इस दृष्टि से भी त्रुटियुक्त मानी जाती है। अंकन प्रणाली एक दूसरी दृष्टि से भी त्रुटियुक्त मानी जाती है। कई बार अंकों को चढ़ाने में या अंकों को अंकित करने में भी त्रुटि हो जाती है। प्राय ऐसा देखा गया है कि एक छात्र जिसके 70 अंक आने थे, उसके 7 अंक आए। इसका मतलब अंकों को अंकित करने में कहीं त्रुटि हुई, अंकों के जोड़ करने में भी त्रुटि हो जाती है। तो ये प्रणाली एक त्रुटियुक्त प्रणाली मानी जाती है, जिससे छात्र को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंकन प्रणाली के मानकों में भी भिन्नता होती है। जैसे प्रत्येक विषय में अंक प्राप्त होने के मानक भिन्न भिन्न हैं। यदि किसी छात्र को सामाजिक अध्ययन विषय में अंक प्राप्त करने हैं तो ये अंक 20 से लेकर के 70 तक, 80 तक हो सकते हैं। सामाजिक विषय के अंतर्गत बहुत कम ऐसा देखा गया है कि छात्र को 90 या 100 अंक मिले हों, जबकि गणित विषय में और विज्ञान विषय में छात्र अधिक अंकों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए विषयों के अनुसार मानकों में भिन्नता आ जाती है। अंकन प्रणाली का एक दोष ये भी है कि संस्थाओं के मानकों में भी भिन्नता होती है। कुछ संस्थाएं अधिक अंक देती हैं, कुछ संस्थाएं कम अंक देती हैं, जिससे दूसरे संस्था में पढ़ने वाले छात्र को आगे प्रवेश लेने में, आगे रोजगार चुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग प्रणाली की। शिक्षा आयोग 1964-1966 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली की सिफारिश की। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने आयोजित सभी मुख्य परीक्षाओं में विषय बार ग्रेड देने की बात कही। उन्होंने तो ये तक कहा कि यदि किसी परीक्षा में अंक प्रदान कर दिए गए हैं तो उन अंकों को ग्रेड में बदल दिया जाए। ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र की उपलब्धियों को संकेताक्षर और संकेतांक दोनों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। या तो उसको उपलब्धि संकेतांक के रूप में, यानी कि ए बी सी डी और एफ के रूप में, या संकेतांक 0, 1, 2, 3 के रूप में प्रदर्शित होती है। ग्रेडिंग प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक है 5-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली और दूसरी है 7-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली। 5-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली, इसमें 5 बिंदु होते हैं, जैसे ए बी सी डी और एफ। इन्हीं के प्रत्यक्ष में अंक होते हैं और अंकों का विश्लेषण भी होता है। जैसे यदि किसी छात्र ने ए ग्रेड प्राप्त किया है
तो उसकी उपलब्धि विशिष्ट होगी। क्रमशः इसी प्रकार यदि किसी छात्र ने डी ग्रेड प्राप्त किया है तो उसकी उपलब्धि निम्न होगी। ग्रेडिंग प्रणाली 7 बिंदु की भी होती है। इसमें ग्रेड ओ से लेकर के एफ तक होते हैं। ओ का तात्पर्य यदि किसी छात्र ने ओ ग्रेड प्राप्त किया है, इसका मतलब उसकी उपलब्धि विशिष्ट होगी। यदि किसी छात्र ने ओ ग्रेड प्राप्त किया है तो उसकी उपलब्धि विशिष्ट होगी। इसी प्रकार यदि किसी छात्र ने डी ग्रेड प्राप्त किया है, उसके 2 अंक होंगे और उसकी उपलब्धि संतोषजनक होगी। ये ग्रेड प्रणाली 9 बिंदु की भी होती है, परंतु प्रचलन में ग्रेड प्रणाली 5 बिंदु की और 7 बिंदु की ही होती है। अब हम बात करेंगे ग्रेडिंग के प्रकार। प्रमुख रूप से ग्रेडिंग 2 प्रकार की होती है, लेटर ग्रेडिंग और अंक की ग्रेडिंग, लेटर ग्रेडिंग एंड न्यूमेरिक ग्रेडिंग। लेटर ग्रेडिंग, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि लेटर ग्रेडिंग में हम ग्रेड की व्याख्या शब्दों के रूप में करते हैं। जैसे ए का तात्पर्य विशिष्ट, बी का तात्पर्य उत्तम, सी का तात्पर्य औसत और डी का तात्पर्य निम्न और एफ का तात्पर्य अति निम्न। आंकिक ग्रेडिंग में हम ग्रेड की व्याख्या अंकों के रूप में करते हैं। जैसे यदि किसी छात्र को ए ग्रेड प्राप्त होता है तो इसका अर्थ हुआ कि छात्र के 90 से 100 नंबर हैं। यदि किसी छात्र को बी ग्रेड प्राप्त होता है तो इसका तात्पर्य है कि छात्र के अंक 80 से लेकर के 89 के बीच में हैं। यदि किसी छात्र को सी ग्रेड प्राप्त होता है तो इसका तात्पर्य है कि छात्र को 70 से लेकर के 79 तक अंक प्राप्त हुए हैं। डी का तात्पर्य 60 से लेकर 69। और यदि किसी छात्र को एफ ग्रेड प्राप्त होता है, इसका तात्पर्य है कि छात्र को 60 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। आंकिक ग्रेडिंग में ग्रेड का विश्लेषण अंकों के रूप में होता है और लेटर ग्रेडिंग में ग्रेड का विश्लेषण शब्दों के रूप में होता है। लेटर ग्रेडिंग और आंकिक ग्रेडिंग के अतिरिक्त भी ग्रेड कई प्रकार के होते हैं। जैसे पूर्ण ग्रेडिंग, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में छात्र की तुलना किसी अन्य छात्र से या किसी पूरी कक्षा से नहीं होती। इसमें पूरी कक्षा या तो सी ग्रेड भी प्राप्त कर सकती है या सभी छात्र ए ग्रेड भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली में एक छात्र की तुलना किसी अन्य छात्र से नहीं की जाती। दूसरे प्रकार की ग्रेडिंग होती है संदर्भित ग्रेडिंग। इस प्रकार की ग्रेडिंग में एक छात्र की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है कि एक छात्र अन्य छात्रों की तुलना में कैसा है। तीसरे प्रकार की ग्रेडिंग है स्वसंदर्भित ग्रेडिंग। इसमें छात्र की तुलना किसी और से नहीं की जाती, इसमें छात्र की तुलना स्वयं से ही होती है कि पहले जो छात्र सीख रहा था या पहले जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ था वो आज के परिवर्तन की तुलना में कैसा है। छात्र की उपलब्धि में कितनी वृद्धि हुई है, उसकी तुलना स्वयं की उपलब्धि से ही होती है। एक और प्रकार की ग्रेडिंग होती है दक्षता ग्रेडिंग। शिक्षार्थी की दक्षता का आकलन इस प्रकार की ग्रेडिंग में किया जाता है। इस प्रकार की ग्रेडिंग में ये देखा जाता है कि जब छात्र ने कक्षा में प्रवेश लिया था तो उसकी दक्षता क्या थी और आज उसकी विषय में मास्टरी कितनी हो गई। दक्षता को परखने के लिए, दक्षता को जानने के लिए दक्षता ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक और प्रकार की ग्रेडिंग है कथन ग्रेडिंग। इस प्रकार की ग्रेडिंग में ना तो अंक दिए जाते हैं ना ही कोई ग्रेड दिया जाता है, वरन इस प्रकार की ग्रेडिंग की व्याख्या एक कथन के रूप में की जाती है। जैसे कीप इट अप, उत्तम, शाबाश, कार्य को जारी रखें, मेहनत करें, इस प्रकार के कथन दे करके ग्रेडिंग की जाती है, जिससे छात्र आगे काम करने के लिए, आगे सीखने के लिए और अधिक मेहनत करता है और अधिक प्रेरित होता है। एक और ग्रेडिंग होती है, वो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। इसमें छात्र की उपलब्धि को उत्तीर्ण
या अनुत्तीर्ण के रूप में ही जांचा जाता है। उसकी उपलब्धि की व्याख्या या तो उत्तीर्ण के रूप में होती है या अनुत्तीर्ण के रूप में होती है। ग्रेडिंग प्रणाली का भी अपना एक महत्व है। ग्रेडिंग प्रणाली के द्वारा विभिन्न संस्थानों के परिणामों की तुलना करना आसान होता है। इस प्रणाली से छात्र के ऊपर परीक्षा का दबाव कम रहता है, क्योंकि उसको ग्रेड मिल रहे होते हैं और ग्रेड में अंकों का अपना एक रेंज होता है, एक विस्तार होता है, इसलिए उस पर परीक्षा का दबाव कम होता है और इसकी वजह से छात्र को तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रेडिंग प्रणाली के द्वारा छात्र और अभिभावक दोनों ही तनाव मुक्त रहते हैं। परीक्षा का तनाव जहां एक और छात्र को होता है, वो तनाव अभिभावकों को भी होता है। तो जब हम ग्रेडिंग प्रणाली को शामिल करते हैं परीक्षा में या परिणामों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, तो छात्र और अभिभावक दोनों ही तनाव मुक्त रहते हैं। ये प्रतियोगिता को कम कर देती है, इसमें कंपटीशन कम है। जैसे 60% से ऊपर अंक आने पर ग्रेड बढ़ जाता है और ग्रेड का अपना एक विस्तार है, इसलिए ये प्रणाली प्रतियोगिता के बोझ को कम करती है। विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धि की तुलना के लिए ग्रेडिंग प्रणाली एक उभयनिष्ठ पैमाना प्रदान कर देती है। इसमें छात्र की उपलब्धि भाषा विषय में हो, सामाजिक अध्ययन विषय में हो या गणित और विज्ञान विषय में हो, ये एक पैमाने पर होती है। इसलिए जैसे यदि किसी छात्र के हिंदी में या सामाजिक विज्ञान विषय में कम अंक आते हैं और गणित में अधिक अंक आते हैं, तो ग्रेडिंग प्रणाली इस अंतर को समाप्त कर देती है। ग्रेडिंग प्रणाली की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि जब छात्र एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भाग लेता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के संस्थान में प्रवेश लेता है, तो स्थानांतरण के समय जो समस्याएं आती हैं वो ग्रेडिंग प्रणाली से कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि ग्रेडिंग प्रणाली और अंकन प्रणाली में अंतर क्या है। अंकन प्रणाली का उद्देश्य विषय में अंक हासिल करना होता है, जबकि ग्रेडिंग प्रणाली का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना होता है। अंकन प्रणाली का उद्देश्य होता है सिर्फ अंक प्राप्त करना, जबकि ग्रेडिंग प्रणाली का उद्देश्य होता है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। बालक जहां पाठ्यक्रम में भाग ले, पाठ्यक्रम की गतिविधियों में भाग ले, साथ ही साथ वह पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी भाग ले। अंकन प्रणाली में छात्र की उपलब्धि को श्रेणी में नापा जाता है व अंकों में नापा जाता है, जबकि ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र की उपलब्धि उसके कुल प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। इसमें अंकों को ही महत्ता नहीं दी जाती, वरन पूरे अपने सत्र के दौरान उसने किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया है, इस पर ग्रेडिंग प्रणाली निर्भर करती है। अंकन प्रणाली के द्वारा अभिभावक और छात्र तनाव में रहते हैं, जबकि ग्रेडिंग प्रणाली छात्र के और अभिभावक के तनाव को कम कर देती है, क्योंकि इसमें अंक नहीं है, प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत का छोटा छोटा विवेचन और व्याख्या नहीं है, इसलिए ग्रेडिंग प्रणाली छात्र के व अध्यापकों के तनाव को कम करती है। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि अंकन प्रणाली छात्र के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, जबकि ग्रेडिंग प्रणाली छात्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अंकन प्रणाली के द्वारा छात्र उच्च कक्षाओं में समायोजन कर लेता है। छात्र को उच्च कक्षाओं में समायोजन में कठिनाई अनुभव नहीं होती, क्योंकि अंकन प्रणाली में प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के कारण छात्र मेहनत अधिक करता है, ज़्यादा अध्ययन करता है, इसलिए जब वो उच्च कक्षाओं में भाग लेता है या उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेता है, तो उसको मेहनत करने की वहाँ आदत होती है, उसको वहाँ समायोजन करने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं होती। जबकि ग्रेडिंग प्रणाली में प्रतियोगिता कम होती है, प्रतियोगिता यदि कम होगी तो छात्र मेहनत कम करेगा
और मेहनत कम करने की वजह से उसको उच्च कक्षाओं में समायोजन में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि छात्र निम्न कक्षाओं में ग्रेडिंग प्रणाली से परिणामों को प्राप्त करता है तो उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता कम होती है, वो कम मेहनत करता है, जिससे उसे उच्च कक्षाओं में समायोजन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उच्च कक्षाओं की पढ़ाई कठिन होती है व उसमें छात्र को अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली जहां एक ओर छात्र के तनाव को कम कर देती है, छात्र में प्रतियोगिता की भावना को कम कर देती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त है, वहीं ग्रेडिंग प्रणाली उच्च कक्षाओं में छात्र को समायोजन करने में भी कठिनाई उत्पन्न करती है, और अंकन प्रणाली जहां छात्र के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, प्रतियोगिताओं को बढ़ा देती है, छात्र और अभिभावकों को तनाव में रखती है, वहीं उच्च कक्षाओं में छात्र के बेहतर समायोजन में मदद भी करती है। धन्यवाद।